तो आज की क्लास हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एज अ चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। हेडिंग डालिए सिंपल इंटरेस्ट। बहुत ध्यान से समझिएगा सिंपल इंटरेस्ट क्या है। उसको समझने के लिए कुछ बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे एक होता है प्रिंसिपल, एक होता है प्रिंसिपल। व्हाट डू मीन बाय प्रिंसिपल? प्रिंसिपल हम किसे कहते हैं? द प्रिंसिपल इज द मनी विच यू लेंड फ्रॉम अ बैंक। ये क्या है? द मनी विच यू टेक फ्रॉम अ फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जब आप कोई पैसा लेते हैं, दैट बिकम्स योर प्रिंसिपल मनी। सपोज करिए मुझे अचानक से कोई काम पड़ गया पैसे का, तो मैं किसी से उधार लूंगा। अब जो कोई भी मुझे पैसे उधार देगा, वो ऐसे तो सिंपली मुझे पैसे उधार नहीं देगा, वो उधार देगा तो कुछ उससे इंटरेस्ट मांगेगा। क्योंकि मान लीजिए आज मैं आपसे 100 रुपए लेता हूं, तो 100 रुपए अगर मैं लूंगा, तो कल अगर मैं आपको 100 रुपए वापस करता हूं, तब तो ये दोस्ती यारी वाली बात हो गई। लेकिन अगर मैं किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन से मांग रहा हूं जो कि यही काम करता है, वो उसका काम ही यही है कि वो पैसे उधार देता है, तो फिर वो क्या करेगा? फिर वो आपसे उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगा। वो जो इंटरेस्ट चार्ज करता है, वो किसी ना किसी एक रेट पर चार्ज किया जाता है, वो किसी ना किसी एक रेट पर चार्ज किया जाता है। तो रेट इज व्हाट? रेट इज द परसेंटेज, रेट इज द परसेंटेज which is charged by the financial institution जो rate charge करती है। either ये कैसा कैसा हो सकता है? तो ये हो सकता है either yearly आपसे पैसा charge कर लिया जाए, या फिर interest कई बार half yearly होता है, आपसे हाफ ईयरली भी कई बार लोग चार्ज करते हैं, कई बार क्वार्टरली चार्ज किया जाता है, क्वार्टरली भी कई बार चार्ज करते हैं, या कई बार मंथली भी चार्ज किया जाता है कि पर मंथ आप हमें इतना पैसा इस रेट से पैसा देंगे। अब तीसरा एक पैरामीटर जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सा पैरामीटर है, दैट इज टाइम। मैं मान लीजिए कि किसी आदमी से पैसा लेता हूं या किसी बैंक से पैसा लेता हूं। अब बैंक से मैंने पैसा तो ले लिया, उन्हें कहा कि भाई 2% या 3% या 4% या 10% पर मैं आपको पैसा दूंगा, पर आप तो पैसा जिंदगी भर के लिए नहीं लेंगे ना। आप तो जब तक आपका काम है तब तक आपने पैसा लिया, जैसे ही आपका काम खत्म हो गया आप पैसा वापस कर देंगे। तो आप कुछ समय के लिए लेंगे, सपोज करिए 1 साल के लिए लिया, 2 साल के लिए लिया, 3 साल के लिए, या इस तरह से किसी भी साल के लिए लिया। तो टाइम इज व्हाट? टाइम इज द ड्यूरेशन फॉर विच, the duration for which the money is being lent। आपको उधार कितने दिन के लिए दिया गया है, इसको आप क्या कहते हैं? समय कहते हैं। This time is denoted by capital T, this rate is denoted by capital R, and principal is denoted by capital P। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट का कहानी है। अब ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड बाय अ फॉर्मूला, SI इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। ये रेट जो है यही 100 के बराबर है, बिकॉज रेट जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमेशा कैसा होगा? 5% को आप क्या लिखोगे? 5/100। तो ये रेट जो भी है उसी की वजह से ये नीचे 100 आया है। तो बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम बाय 100। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, ये फॉर्मूला है। अब मान लीजिए कि आपने किसी आदमी से, अब देखिए एक छोटा सा एग्जांपल यही साइड में दे रहा हूं, मान लीजिए किसी आदमी से आपने कितना रुपया लिया? 100 रुपीज लिया, और जो रुपया लिया है वो, ये जो रुपया आपने लिया है, दिस इज सपोज प्रिंसिपल, रेट आपने एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% एट द रेट ईयरली इंटरेस्ट पर आपने लिया है, और ड्यूरेशन टाइम पीरियड सपोज करिए मैं 3 साल के लिए लेता हूं, सपोज करिए मैं कितने साल के लिए लेता हूं? 3 साल के लिए।
तो मुझे 100 रुपए के एवज में कितना रुपया वापस करना होगा ये मुझे कैलकुलेट करना है। दैट इज ओनली द इंटरेस्ट नो कि 100 रुपए के एवज में आप कितना इंटरेस्ट देंगे। अच्छा मैं मान लीजिए आपसे 100 रुपया लेता हूं तो मैं 100 रुपया तो आपको वापस करूंगा ही, 100 रुपए के साथ साथ और भी पैसा देना होगा क्योंकि मैंने आपसे कैसा लिया है, उधार तो नहीं लिया है आपसे, मैंने पैसा जो लिया है वो किसी एक इंटरेस्ट रेट पर लिया है। अब एक होता है दोस्ती यारी में उधार, अच्छा ठीक है तुम आज 100 रुपया दो हम तुमको कल छोड़ के परसों दे देंगे या एक महीने बाद दे देंगे एक साल बाद दे देंगे, वो वाले में आपको इंटरेस्ट नहीं लगता है। लेकिन जैसे ही आप पैसा किससे लेते हैं, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी एनी नॉन गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कैन बी अ पर्सन ऑल्सो, कुछ लोग मार्केट में भी होते हैं जो कुछ रेट पर पैसा लगाते हैं बाजार में, तो वो भी कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा देते हैं। अब मेरे को अगर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है तो इंटरेस्ट एसआई का फॉर्मूला क्या होता है, एसआई का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल कितना है बताइए, 100 रुपया, रेट कितना लगा 5%, टाइम कितना है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100, काट दिया कितना बचा 15 रुपीज। अब मैं जब 3 साल के बाद उन भाई साहब को पैसा रिटर्न करने जाऊंगा मुझे कितना रुपया देना होगा, 115 रुपीज। कैसे निकाला, तो एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं अमाउंट, एक और टर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं अमाउंट, अमाउंट इज द फाइनल अमाउंट, द फाइनल मनी, द फाइनल मनी विच विल be returned by the lender या borrower के द्वारा जो final money दिया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं amount बोलते हैं, और उस amount का formula होता है a is equal to principal plus si के बराबर। अब जो हमने example दिया उसमें amount कितना होगा, तो आपने principal कितना लिया था 100 रुपया, interest कितना आया 15 रुपया, तो जो फाइनल अमाउंट आपने दिया वो कितना होगा 115 रुपया। दिस इज द केस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट वेयर आपने अगर मार्केट से कितना रुपया उठाया है 100 रुपया उठाया है 5% रेट पे 3 साल के लिए, तो 3 साल के बाद जो पैसा आपको वापस करना है वो किसके बराबर है 115 रुपया के बराबर है। ये समझ में आ रहा है सबको, गॉट इट। चलिए अब अगर ये सारी कहानी समझ में आ गई तो ये एक एग्जाम्पल भी मैंने साथ साथ ले लिया है ताकि अगर मैं 100 रुपया किसी से उधार ले रहा हूं तो 3 साल बाद 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट से मुझे कितना पैसा वापस करना पड़ेगा 115 रुपया वापस करना पड़ेगा। कैसे निकला, तो पहले हमने सिंपल इंटरेस्ट निकाला, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT/100, और एक बार सिंपल इंटरेस्ट निकल गया तब हमने फिर क्या निकाला अमाउंट निकाला, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है प्रिंसिपल इंटरेस्ट प्लस सिंपल इंटरेस्ट, दोनों को जोड़ दीजिए प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट विल गिव यू दी अमाउंट। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताइए, नहीं जो कुछ भी बोर्ड पे लिखा है सबने लिख लिया। चलिए मिटा दूं ऊपर वाला प्रिंसिपल, ये नहीं लिखा हो तुम कदे, ये ऊपर वाला नहीं लिखे हो देख रहा है। ठीक है अब जरा ध्यान से देखिए, अब अगर मेरे को एक बार ये फॉर्मूला पता चल गया सिंपल इंटरेस्ट का, एसआई इज इक्वल टू किसके बराबर, एसआई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी के बराबर इंटू 100। यहां से ना कई सारे और फॉर्मूले भी डिराइव हो जाते हैं, जैसे कोई आपसे पूछ ले बताओ प्रिंसिपल कितना होगा, तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। सेकेंड फॉर्मूला अगर आपसे कोई कहने बताओ रेट का फॉर्मूला क्या है, तो रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड। और तीसरा अगर मान लीजिए इसी की जगह पे कोई आपसे कहे बताओ टाइम पीरियड कितना होगा, तो फॉर्मूला होगा एसआई इंटू 100 इंटू पी इंटू आर। अगर थोड़ा बहुत भी एलजेब्रा का ज्ञान हो तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद नहीं करना पड़ेगा, ये दिखता है कैसे, आप मान लीजिए यहां पे P आपको निकालना है तो आप क्या करोगे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो SI इंटू 100 और यहां पे R और T नीचे क्या आ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, इधर मल्टीप्लीकेशन में तो दूसरी साइड आके डिवीजन में आ जाता है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला ये होता है, अगर समझ में आया तो वेरी गुड, नहीं तो इस फॉर्मूले को क्या कर लीजिए ध्यान रखिएगा। ये 3 फॉर्मूला और ये 4 फॉर्मूला किसी भी सिंपल इंटरेस्ट के सवाल को
कैलकुलेट करने के लिए मोर देन सफिशियंट है. इट इज मोर देन सफिशियंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनी वे एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू सिंपल इंटरेस्ट. उसके नीचे एक और फॉर्मूला ध्यान दीजिए. अमाउंट का क्या फॉर्मूला लिखा आपने? अमाउंट इज इक्वल टू होता है प्रिंसिपल प्लस एसआई. यहां से भी दो फॉर्मूला निकल के आता है. एक होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला. सिंपल इंटरेस्ट व्हेन अमाउंट में से आप प्रिंसिपल को क्या कर दीजिए? माइनस कर दीजिए. अगर ये मुझे निकालना है तो अमाउंट में से आप क्या माइनस कर देंगे? प्रिंसिपल. तो आपको सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा. वेयर एज अगर मुझे यहां से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो आप अमाउंट में से, सॉरी सिंपल इंटरेस्ट तो हो गया, अगर मुझे प्रिंसिपल निकालना है तो आप अमाउंट में से क्या माइनस कर देंगे? सिंपल इंटरेस्ट माइनस कर देंगे. कुल मिला के अगर ये जो छह फॉर्मूले मैंने लिखवाए हैं, छह या सात फॉर्मूले, अगर ये सात फॉर्मूले आपको अच्छे से याद है तो सिंपल इंटरेस्ट का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं हो सकता है. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सारा मैंने बताया है. इस सबको आप डब्बे में बंद करके इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें. दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज फॉर दी कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर अमाउंट लेंड बाय अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. गॉट इट? सवाल लिखें. राइट दी फर्स्ट क्वेश्चन. फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन, यहां तक सारा फॉर्मूला लिख लिया तो सवाल लिखें. पहला, फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन, फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500. फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन, फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन, फाइंड द इंटरेस्ट व्हेन प्रिंसिपल इज इक्वल टू 500 रुपीस, रेट इज इक्वल टू 8% एंड टाइम इज इक्वल टू 3 years. सॉल्व कीजिए. सेकेंड बिट, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 800 रुपीस, रेट इज इक्वल टू 1.5%, ये भी पर एनम है, यानी एट द रेट ईयरली इंटरेस्ट दिया हुआ है, और ये भी एट द रेट ईयरली इंटरेस्ट दिया हुआ है. टाइम इज इक्वल टू 1.3 years. सॉल्व करके दिखाइए जरा. ये दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाइए, बताइए क्या आंसर आ रहा है. तीसरा बेट, थर्ड बेट, P इज इक्वल टू 100 रुपीस, रेट इज इक्वल टू 1% एट द रेट मंथली, टाइम इज इक्वल टू 2 years. फोर्थ बेट, P इज इक्वल टू 1000 रुपीस, रेट इज इक्वल टू 10% एट द रेट ईयरली, टाइम इज इक्वल टू 6 months. ये चार सवाल आपको क्या करना है? सॉल्व करना है. बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है, सिर्फ फॉर्मूला लगाना है एंड यू विल गेट द आंसर. अच्छा, ये क्वेश्चन में और भी फर्दर चीजें ऐड कर सकते थे. फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट भी लिख सकते थे यहां पे, क्योंकि एक बार आप इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लोगे तो अमाउंट कैलकुलेट हो जाएगा. क्यों? अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? प्रिंसिपल प्लस एसआई. अगर एक बार एसआई कर लिया, उसमें प्रिंसिपल दिया हुआ है, जोड़ दीजिएगा तो क्या निकल के आ जाएगा? अमाउंट. तो आपसे इंटरेस्ट एंड अमाउंट भी कैलकुलेट कराया जा सकता है. तो उसी क्वेश्चन में और ऐड कर लीजिए, यू कैन फाइंड द इंटरेस्ट एंड अमाउंट. गॉट इट? चलिए सॉल्व. हो गया पहला बिट, किस किस का हो गया? किसी का नहीं. जल्दी जल्दी करिए, फॉर्मूला तो सारा लिख लिया ना. चलिए पहला बिट सॉल्व कीजिए, नहीं होता है तो फिर मैं सॉल्व करता हूं. पहला बिट देखिए, ध्यान से देखिए. फर्स्ट बिट, सिंपल इंटरेस्ट
का फॉर्मूला होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है 500 इंटू रेट पर एनम, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8/100 इंटू टाइम कितना दिया हुआ है 3 साल। बस इसे जरा सा सॉल्व कर लीजिए, 5 × 8 = 40, 43 = 120 रुपीज। इंटरेस्ट अगर 120 है तो अमाउंट कितना होगा प्रिंसिपल प्लस एसआई के बराबर। प्रिंसिपल कितना 500 प्लस 120 दैट इज 620 रुपीज इज दी अमाउंट। पहला बिट खत्म। किस किस ने सही सॉल्व किया था पहला वाला? गुड, मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। मूविंग टू द सेकंड क्वेश्चन, अब सेकंड क्वेश्चन क्या है, एसआई इज इक्वल टू होता है सेम पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। अब जरा देखिए प्रिंसिपल कितना है 800 रुपीज इंटू रेट ईयरली है 1.5% इंटू टाइम है 1.3 ईयर्स। बस सॉल्व कर लीजिएगा आंसर आ जाएगा। ये 000 कट गया, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आ रहा है। 15 8 जा इसको मल्टीप्लाई किया कितना आ रहा है, ये तीनों को मल्टीप्लाई करके बताइए कितना आ रहा है। 15 × 1.3 × 8 = 108 15 8 = 120 120 × 13 (12 × 13) करिए कितना आ रहा है 156 रुपीस आएगा ना, 156 by 120 into this by 100। नीचे 100 भी तो है तो कितना आएगा 15.60 रुपीस, और 15.60 रुपीस आएगा तो अमाउंट कितना होगा 800 प्लस एसआई इज 15.60 आ जाएगा 815.60 रुपीस। दिस इज योर फाइनल अमाउंट है ना। डन, मूविंग टू द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। थर्ड क्वेश्चन में क्या ट्रिक है बताइए, क्या थोड़ा सा अलग दिया हुआ है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, मंथली दिया हुआ है। जहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट मंथली होता है ना, वहां पे थोड़ा सा बुद्धि लगाना पड़ता है। देखिए आर इज इक्वल टू, यहां पे जितना भी रेट दिया हुआ था ना, सारा का सारा कैसा रेट था, ईयरली रेट था। पर यहां पे कैसा रेट दिया हुआ है, यहां पे मंथली रेट है। तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट मंथली रेट इनटू ईयरली रेट। अब मुझे बताइए कि एक मंथ का इंटरेस्ट अगर 1% है तो एक साल में कितने इंटरेस्ट, कितने महीने होते हैं 12। तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 12 से। तो ये कितना आ जाएगा 12%। तो ये 12% क्या आ गया एट द रेट ईयरली इंटरेस्ट। हमें क्या करना है, सवाल को सॉल्व करने के लिए रेट को किस में कन्वर्ट करना है, ईयरली में कन्वर्ट करना है। वंस दिस इज डन फिर क्या, फिर तो एसआई का फॉर्मूला लगा दीजिए। एसआई क्या होता है पी इंटू आर इंटू टी बाई 100। पी कितना है 100 रुपीज, रेट 12%, टाइम 2 साल। सॉल्व कर दीजिए कितना आएगा 24 रुपया, और अमाउंट कितना होगा, अमाउंट विल बी इक्वल टू एसआई प्लस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इज 100 रुपीज एंड इंटरेस्ट इज दिस 124 रुपये। आपका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। गॉट इट, याद रखिएगा जहां कहीं भी इंटरेस्ट मंथली दिया हुआ है वहां पे आपको किससे मल्टीप्लाई करना होगा 12 से। अच्छा ये क्वार्टरली होता तो किससे मल्टीप्लाई कर दे, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, क्वार्टर मीन्स 3 मंथ्स, तो कितनी बार आप 3 मंथ को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 बार। तो यहां पे अगर ये क्वार्टरली इंटरेस्ट होता तो किससे मल्टीप्लाई करते 4 से। अगर हाफ ईयरली होता तो, हाफ ईयरली मतलब 6 महीना, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 साल हो जाएगा 2 से। तो यहां पे किससे मल्टीप्लाई करते 2 से, ध्यान रहेगा, नहीं तो कहीं नोट डाल के लिख लीजिए, फॉर
मंथली, मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 12, पॉइंट नंबर वन. फॉर क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 4. फॉर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 2. और ईयरली में तो मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता है ही नहीं, क्योंकि ईयरली में तो ऑलरेडी 12 महीने का हिसाब दिया गया है. ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन. ये हो गया 124 निकल के आ गया सबका. आखिरी सवाल सॉल्व कीजिए. आखिरी क्वेश्चन जो फोर्थ बेट है उसको जरा सॉल्व कीजिए. प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? प्रिंसिपल इज 1000. रेट इज ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली, मंथली? ईयरली. बट टाइम इज मंथली. यू हैव टू कन्वर्ट टाइम इनटू ईयर. 6 मंथ बराबर हाउ मेनी इयर्स? 0.5. यू हैव टू कन्वर्ट इट. कैसे? 6 मंथ ऐसे लिखिए, 12 मंथ इज इक्वल टू 1 ईयर. 1 मंथ इज इक्वल टू 1/12 years. एंड 6 मंथ इज इक्वल टू 1/12 × 6, दैट इज 1/2 years. बस एक बार आपने सारा कुछ नॉर्मल जो उसका डेफिनेशन है उसमें कन्वर्ट कर लिया, फिर क्या है? फिर तो सवाल सॉल्व करना काफी आसान है. फोर्थ बिट का आंसर क्या होगा ध्यान से देखिए. आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है. एस आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी बाई 100. प्रिंसिपल कितना था? 1000 रुपीज. रेट कितना था? 10/100. और आपने साल क्या निकाला? हाफ. सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 100/2, दैट इज 50 रुपीज. अमाउंट कितना होगा? अमाउंट विल बी 1000 + 50, दैट इज इक्वल टू 1050 रुपीज. दिस विल बी योर फाइनल आंसर. होप कि समझ में आ रहा है सारा कुछ. बोर्ड पर जो भी लिखा है इसको बहुत इंपॉर्टेंट मार्क करते हो, आप अपनी कॉपी में उतार लें. फिर एक दो सवाल और करिए, जल्दी से सॉल्व करिए इसे. हो गया यहां तक सारा? उतारिए जल्दी. क्वेश्चन लिखें. राइट, आई बोरोड सम मनी एट 8% इंटरेस्ट पर एनम. आई बोरोड सम मनी एट 8% पर एनम. एनम पर एनम मतलब ईयरली. आई हैड टू पे 138.75 एज इंटरेस्ट. आई हैड टू पे 138.75 एज इंटरेस्ट. आई हैड टू पे 138.75 एज एन इंटरेस्ट आफ्टर 3 years. आफ्टर थ्री ईयर्स एंड 1 month. आफ्टर 3 years एंड 1 month, वॉट सम डिड आई बोरोड? वॉट सम डिड आई बोरोड? सम मतलब मनी, सम मतलब पैसा. क्वेश्चन एक बार फिर से बोल रहा हूं. आई बोरोड सम मनी एट 8% पर एनम. एट 8% पर एनम आई हैड टू पे 138.75 रुपीज एज एन इंटरेस्ट आफ्टर 3 years 1 month. 3 साल 1 महीने के बाद मुझे कितना इंटरेस्ट देना पड़ा? 138.75 रुपीज. वॉट इज द अमाउंट विच आई हैव बोरोड? वॉट इज द सम आई हैव बोरोड? कितना पैसा मैंने उधार लिया था? आपको इसमें क्या पता है क्या नहीं पता है? मुझे बताइए.
इस सवाल में आपको क्या पता है और क्या नहीं पता है? What do you know in this particular question? आप प्रिंसिपल नहीं जानते, तो प्रिंसिपल निकालने का मैंने क्या फॉर्मूला बताया? प्रिंसिपल इज इक्वल टू एस आई इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई रेट इंटू टाइम. अब एस आई दिया हुआ है क्या आपको? दिया हुआ है 138.75. रेट दिया हुआ है क्या? 8% पर एनम. टाइम दिया हुआ है क्या? 3 ईयर एंड 1 मंथ. अब जैसे ही ये मंथ आ गया, आई नीड टू कन्वर्ट दिस मंथ इंटू ईयर. तो मैं मंथ को ईयर में बदलूंगा, तो मैं लिखूंगा 3 + 1/12, बिकॉज एक महीना बराबर 12 महीना बराबर एक साल, तो एक महीना बराबर 1/12 साल. इसको जोड़ लीजिए, 3 / 1/12 या जाएगा 12 × 36 = 37/12 ईयर्स. ये आपका टाइम आ गया. बस आपको ऐसा ही पता है, रेट पता है, टाइम पता है. ऐसा ही रेट और टाइम डाल दीजिए फॉर्मूले में, आंसर आ जाएगा. प्रिंसिपल इज इक्वल टू 138.75 × 100 होल डिवाइडेड बाई 8 × 37/12. इसको और इधर लिख दीजिए, 100 से 100 कैंसिल. प्रिंसिपल अमाउंट जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आता है 562.50. इसको सॉल्व करके कितना आता है? 562.50 रुपीज. दिस इज योर आंसर. आसान सवाल था, सिर्फ यहां पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व था कि जब एनेवर ईयर के साथ साथ मंथ आ जाता है तो यू नीड टू कन्वर्ट दैट मंथ इनटू ईयर. गॉट इट? राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन. एट व्हाट रेट एनुअली विल बी 800. एट व्हाट रेट एनुअली विल बी 800 अमाउंटिंग टू 1000 इन 2 years. एट व्हाट रेट एनुअली विल बी 100 रुपीज अमाउंटिंग टू 1000 रुपीज इन 2 years. At what rate annually will be 100 rupees amounting to 1000 rupees in 2 years? दो साल में कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पर 800 रुपया किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 1000 रुपया में. यह सवाल भी एक अच्छा सवाल है. यह लिख लिया सबने? ये वाला लिख लिया? नहीं, जल्दी जल्दी लिखिए. तो फिर अगला सवाल सॉल्व करता हूं, जल्दी से लिखें. जो लोग ये लिख चुके हैं, ये सवाल को देखिए. मैं लिख देता हूं कि क्या क्या दिया हुआ है. आपको अमाउंट दिया हुआ है, आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है, आपको रेट नहीं पता, आपको टाइम दिया हुआ है 2 years. यू नीड टू कैलकुलेट व्हाट? रेट. रेट का कोई फॉर्मूला जानते हैं क्या? रेट क्या होता है? एस आई इंटू 100 होल डिवाइडेड बाई पी इंटू टी के बराबर. अच्छा, पी पता है क्या? हाँ पता है. टाइम पता है क्या? हाँ पता है. मुझे ऐसा ही नहीं पता. कोई बात नहीं, अमाउंट और प्रिंसिपल अगर पता होता है तो ऐसा ही का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसा ही होता है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल. अमाउंट कितना है? 1000 माइनस प्रिंसिपल कितना था? 800. ऐसा ही कितना आ गया? 200. बस ऐसा ही भी निकल गया. रेट मेरे ख्याल से बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, तो जल्दी जल्दी रेट निकाल के मुझे दिखाइए. व्हाट इज द रेट? इसके लिए जो रेट आ रहा है वो जल्दी से निकाल के दिखाइए, क्या रेट आ रहा है इसका. ये सवाल लिख लिया सबने? ये वाला ये लिख लिया सबने? चलिए, कितना आ रहा है? 12.5. चेक कर लेते हैं. रेट इज इक्वल टू ऐसा ही आ गया 200 × 100 होल डिवाइडेड बाई प्रिंसिपल अमाउंट इज 800 इंटू टाइम 2 years. सॉल्व कर लीजिए, कितना आ रहा है ये एक बार में? ये एक बार में ये आएगा रेट इज इक्वल टू 100 by 8 करेंगे तो 25/2, दैट इज 12.5% विल बी योर आंसर. गॉट इट? समझ में आ रहा है? समझ में आ गया? एक आखिरी सवाल और करते हैं एंड देन फिर आपको मैं असाइनमेंट दे दूंगा, सो दैट कि आप घर से सिंपल इंटरेस्ट के सारे सवाल करके आएंगे. देन अगली क्लास में मैं आपको क्या सिखाऊंगा?
कंपाउंड इंटरेस्ट. नेक्स्ट क्लास में आई विल बी टीचिंग यू कंपाउंड इंटरेस्ट. चलिए लिखिए लास्ट और आखिरी क्वेश्चन फॉर द क्लास. अ सम ऑफ मनी रेंट आउट एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट्स टू अमाउंट्स टू 2200 इन वन ईयर एंड 2800 इन फोर ईयर्स. 2200 इन वन ईयर्स एंड 2800 इन फोर ईयर्स. फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. 2800 इन फोर ईयर्स. फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. फाइंड द सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. अभी बोर्ड साफ कर दूं पूरा. सबने लिख लिया ना? चलिए वेरी गुड. इसको मैं साफ कर रहा हूं. आपको निकालना है सम ऑफ मनी एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है बिकॉज यहां पर आपको कितने अननोन है? दो अननोन है. यू डोंट नो व्हाट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड यू डोंट नो व्हाट इज रेट. ये सवाल मैं सॉल्व कर देता हूं आपके लिए. देखिए अ सम ऑफ मनी. आई डोंट नो व्हाट इज द सम ऑफ मनी. लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स. लिखना चाहिए लेट द सम ऑफ मनी बी एक्स. आपको सम ऑफ मनी के बारे में नहीं पता. दैट इज द प्रिंसिपल अमाउंट यू डोंट नो. लेकिन आपको क्या पता है? आपको पता है कि आफ्टर वन ईयर्स दिस सम विल बी कन्वर्टेड इनटू सम अमाउंट दैट इज एक्स प्लस सम इंटरेस्ट आई. और ये इंटरेस्ट ये अमाउंट कितना होगा? 2200 के बराबर. तो ये आपको पहली इंफॉर्मेशन जो पता है दैट इज दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू 2200 इन वन ईयर्स एंड 2800 इन फोर ईयर्स. आपको 2800 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फोर ईयर्स में कन्वर्ट हो जाएगा. यानी सेकेंड इंफॉर्मेशन जो आपको पता है दिस, इसको मैं A1 लिख लेता हूं. तो दूसरा क्या है? A4 होगा X प्लस I2. इवन आई डोंट नो व्हाट इज I2 ऑल्सो. ये कितना हो जाएगा? 2800. अच्छा मुझे ये बताइए A4 माइनस A1 कर दूं तो मुझे क्या 3 साल का इंटरेस्ट निकल के आएगा क्या? देखिए तो 4 साल में कितना पैसा हो गया? 2800. 1 साल में कितना पैसा हुआ? 2200. तो कैन आई कैलकुलेट कि 4 साल में जो पैसा हुआ है और 1 साल में जो पैसा हुआ है तो क्या प्रिंसिपल अमाउंट चेंज करता है? प्रिंसिपल अमाउंट तो चेंज नहीं करता. चेंज क्या करता है? इंटरेस्ट चेंज करता है. तो इसमें जो बढ़ोतरी हुई है वो किसके बराबर होगा? इंटरेस्ट के बराबर. तो 3 साल का इंटरेस्ट आ गया. कितना आया 3 साल का इंटरेस्ट? 600 रुपया. इसको इससे घटाएगा कितना आएगा? 600. तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा? ऑब्वियसली 200 रुपया होगा. तो पर ईयर का इंटरेस्ट कितना आ गया? 200. तो SI आपका कितना निकल के आ गया? 200 रुपीज. आपका SI कितना निकल के आ गया? 200 रुपीज. वंस यू नो द इंटरेस्ट, एक बार आपको इंटरेस्ट पता चल गया देन वॉट, फिर तो आपको सब कुछ पता है. इंटरेस्ट अगर पता चल गया तो इस इंटरेस्ट की जगह पे आप ये पुट कर दीजिए. ये इंटरेस्ट जो है ये SI1 है, इसको आप यहां पुट कर दीजिए. यहां पुट करिएगा तो अमाउंट A1 इज इक्वल टू X प्लस I1. अमाउंट मुझे पता था 2200 माइनस इंटरेस्ट कितना हो गया? 200. तो X पता चल गया. X कितना आ गया? 2000 रुपये आया नहीं आया? और आपको क्या निकल के आ गया? प्रिंसिपल. आपको क्या पूछा है? आपको क्या पूछा है? रेट और सम. X निकल के आ गया ना, द सम ऑफ मनी इज इक्वल टू X. X आ गया. अब एक बार X आ गया तो रेट का फॉर्मूला लगा दीजिए. रेट क्या होता है? रेट इज इक्वल टू होता है SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम पीरियड. देख लेते हैं SI कितना आया था? 200 इंटू 100. प्रिंसिपल कितना? 2000 इंटू टाइम पीरियड कितना? ये 200. 1 साल बस सॉल्व कर लीजिए. 10% आ रहा है क्या? रेट कितना आया? 10%. रेट इज 10% एंड द सम ऑफ मनी वॉज 2000 रुपीज. यही यहां पे मेन ट्रिक दिया हुआ था. आपसे बोला था कि 4 साल के बाद कितना अमाउंट है.
2800 और एक साल के बाद कितना अमाउंट है, तो इसका मतलब ये तीन साल में जो पैसा बढ़ा है वो किसकी वजह से बढ़ा था, प्रिंसिपल की वजह से कि इंटरेस्ट की वजह से? इंटरेस्ट की वजह से। प्रिंसिपल तो कांस्टेंट रहता है ना, जितना आपने मेरे से उधार लिया वो पैसा तो कभी बदलता नहीं है, सिर्फ बदलता क्या है, इंटरेस्ट बदलता है। तो इंटरेस्ट ही ना चेंज कर गया तो तीन साल में कितना इंटरेस्ट हुआ, 600 रुपया, तो एक साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 200 रुपया। इसका मतलब मुझे इंटरेस्ट क्या निकल के आ गया, 200 रुपीज। इंटरेस्ट एक बार आ गया तो आप अमाउंट आपको पता था, इंटरेस्ट पता था, आप क्या करते, एक्स निकाल लेते, तो 2200 में से जब आपने 200 घटाया तो क्या निकल गया, एक्स निकल गया। और एक बार एक्स पता चल गया यानी प्रिंसिपल पता चल गया, तो प्रिंसिपल की जगह आप आपने इसको फॉर्मूले में डाला और आपको क्या निकल गया, रेट निकल के आ गया। समझ में आ रहा है? तो यहां तक कर लेने के बाद आप लोग अभी बैठकर 10 सवाल सॉल्व कीजिए। अगली क्लास में मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पूरा का पूरा कंप्लीट कराता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आज की क्लास अटेंड करने के लिए।